I Have a uh, you know little faded memory of meeting her for the very first time, but I remember because I had seen her in that uh, saregama show, and I had heard her singing "pan Khai which was one of the purest things that I that I saw, you know, on TV. Such a little girl singing. I mean, I was also very little, but <laughs> but still, you know, some things don't make sense. So it was not making sense to me. It, जैसी ये दिख रही थी द आईज द फेस ब्यूटी ऑन द फेस एंड इन द वॉइस इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन दैट आई सॉन टी वी एंड दट टू कमिंग फ्राम अ ट्वेल्व थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल और मे बी यंगर आई डोंट रिमेंबर हाउड यू वर देन बट एंड वैन आई सॉ हर वेन एवर आई डिड आई डोंट हैव अ क्लियर मेमरी इट वॉज जस्ट नाइस मीटिंग हर एंड शी हैड द सेम स्माइल ऑन अ फेस एंड शी मेट सो लविंग बैक थोड़ा ज़्यादा मुझे अगर याद है तो वो है वी वर इन द यू एस एंड सम हाउ वी हैप्पी टू परफॉर्म टुगेदर इन अ शो टू शोज टुगेदर अलॉन्ग विद शान एंड दे वी स्पेंड अ लिटल टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बस यू नो गोइंग फॉर द साउंड चेक कमिंग बैक सो वो मेरे लिए थोड़ी एक मेमोरी है एंड इट वॉज वंडरफुल इट वॉज वंडरफुल मीटिंग हम मदर शी इज़ वेरी लविंग टूवर्ड्स मी आंटी लव्स मी एंड आई लव अ बैक शी इज़ सो ब्यूटिफुल यू नो या सो इट्स एस अ ग्रेट फैमिली या आई थिंक मैं भी सोच रही हूँ कि

पर्सन इन माई फैमिली जिसको बहुत प्यार हमारे फैमिली मेम्बर्स में इंक्लूडिंग मी मेरी मम्मी पापा सब बहुत प्यार करते थे इवन बिफोर आई मेट हफकोर्स हर करियर स्टार्टेड मच लॉन् अर्लियर देन मी शी हैड मेनी हिट्स बिफोर दैट बट फाइनली वैन आई मेट ह आई थिंक वॉज इन समिकॉर्डिंग स्टूडियो वही हुआ होगा क्रॉसिंग ओवर शी वॉज फिनिशिंग आई वॉज एंटरिंग

एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था वो अपने बालों को बड़ा प्यार से एकदम नीटली तेल वेल लगा के एकदम टाइट नॉट में डाल के आती थी एंड ऑफकोर्स वी डिड दिन द टूअर एंड वी हंग आउट ब्रेकफस्ट पे शिवुड गटकाउ कपल ऑफ मिल्क का ग्लासेस या वी वर बोथ वेरी यंग बट देर वॉज अ लवली यू नो शी हैड अ वेरी चार्मिंग लवली पर्सोना जो मुझे अभी भी याद है And of course, what a performer uh, on, in studios and on live as well. We are friends. We are the best. We are friends. friends. Best friends, BFFs, everything that besties. comes along with friends and besties. B. Because <laughs> it's better, right? It's <laughs> better to go back from there. And, <laughs> <laughs> um, we both, I think, realize that we are so similar and we have immense love and respect for each other.

अरे हाँ आई इज़ डूइंग द सेम यार अभी वो स्कूल में आचा, ये वो है वो शी इज़ द अदर डे सेम कि मुझे सीजर ख़रीदने जाना है ग्लू प्रोजेक्ट <laughs> करना है सर यार आई एम डूइंग द सेम यू नो सो वी आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस अब सिमिलैरिटीज़ और भी बढ़ गई हैं और लाइफ की प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री से आ, एक ही एक ही दौरान आए हैं उतने ही साल हम ने ऑलमोस्ट बिताए हुए हैं

मतलब दे डिड लाइक एक भी बार नहीं छोड़ेंगे कुछ ऐसा नहीं छूट नहीं जाना चाहिए द प्रोडक्शन द कंपोजिशन एवरीथिंग वॉज सो फुलफिलिंग सो मे बी अ ले मैन विल एन्जॉय द ग्रूव एंड हाउ फन इट इज बट एक म्यूजिशियन बहुत दिल से अप्रिशिएट करेगा कि ओह oh, यहाँ पे ये चीज़ हुई है वहाँ पे वो प्रोग्रेशन आई वहाँ पे ये ड्रम्स का पैटर्न चेंज हो गया जस्ट द क्योंकि फैल भी सकता था गाना फैला हो सकता आर यू फॉर पहल, दैट पर एक 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 पॉइंट पॉइंट के के आगे आगे आप लगाम लगाते हैं ना तो दैट दे हैव देव के वो एकदम राइट सुनाए थे ज्यादा ओवर डू ना हो जाए ना कम हो एंड द वे वेट इन द सॉन्ग दैट मेड इट इवन मोर इजी फॉर अस टू एक्सप्रेस हाउ वी वांट टू इट वाज बोल्ड इट वाज ऑन योर फेस यू नो इन योर फेस एंड सो I, I really yeah. so, इसमें हमने ये सारी चीज़ें ना बिना हेजिटेशन करी हैं और लाइक like हाउ श्रद्धा का होना भी इस रूम में अ फीमेल राइटर सो so, हमारे लाइफ में यह होता नहीं है फीमेल लिरसिस बहुत रेयर है आई थिंक हर माइंड वर्कड इन आर फेवर इन दिस क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ गाय इसमें वो कॉम्पिटेटिव फीलिंग और वो फन वो बैंट वो ही ला सकती थी सो श्रद्धा थैंक यू फॉर डूइंग दैट वी हैव डन सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द पास्ट वो बहुत अलग है मुरलिया हो yeah. या अभी so uh, uh, no, so लौट आ मेरे देश इतने अलग इमोशंस के लिख सकती है एंड हर बिंग अ सिंगर हेल्प्स शी कैन सिंग हर द पार्ट्स एंड वो जानती है कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और हमारी स्टाइल्स को ये तीनों इतने अच्छे से जानते हैं सलीम और श्रद्धा दैट दे लेट अस हैव दोज मोमेंट्स टू शाइन इन द सॉन्ग और ये गाना गाना भी था इट वॉज़ अ जर्नी अब मुझे थोड़ा बिटर स्वीट मोमेंट है कि ये गाना रिलीज़ हो रहा है सो इट यू नो वॉट हैपन्स बट वो वो होता है ना यू अंडरस्टैंड वो प्रोसेस ज़्यादा खूबसूरत था शायद ये गाना जब रिलीज हो जाएगा विल स्टार्ट मिसिंग इट कि अब तो रिलीज हो गया अब क्या करें और एक बहाने चाहिए और एक आ, वो ये इसलिए मैंने कहा छैला टू फैला 2.0, टू पॉइंट इट इज यू यू वांट टू कॉल द नेक्स्ट वन प्लीज गो इट कुछ तो हुआ है, जब से वो मिला है। वैसा ना मेला था ना कभी मिलेगा हाय उस पे मैं तो मर गई कैसे मैं बताऊँ मेरा हाल क्या है उसकी नजर ने किया वो असर है हाय उस पे मैं तो मर गई आहा ये कुछ फहमिया सही नहीं वो तो मेरा है तेरा नहीं लगता है तुमको मालूम ही नहीं है वो मेरा रोम रोम में कैसे कर गया मुझको पागल छेला वो मेरा छेला इश्क जैसे मेरा पहला कैसे कर गया मुझको पागल आ, 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 आ। Saree, ree ree magar ree, ree ree sani saree, ree ree magar ree, chela mere chela, always and forever. Saree, ree ree magar ree, ree ree sani saree, ree ree magar ree, chela mere chela.